अम्यूजमेंट पार्क एंड वाटर पार्क तो बहुत देखे होंगे आपने, पर मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपने कभी डिवोशनल थीम पार्क नहीं देखा होगा। वेलकम टू लाइफ एंड लीजर एंड वेलकम टू इंडियाज फर्स्ट एवर डिवोशनल थीम पार्क। मैं आई हूँ शिरडी में और अभी मैं हूँ साई तीर्थ थीम पार्क में। ऑनेस्टली ये मेरा सेकेंड टाइम है एंड मैं पूरे दिल से चाहती हूँ कि यहाँ पे लोग आए और इस ब्यूटीफुल से प्लेस को एक्सपीरियंस करें, इस वाइब को एक्सपीरियंस करें। इस वीडियो में आप साई तीर्थ थीम पार्क के बारे में सब कुछ जान लोगे, सो कम एंजॉय। ये है इनका बुकिंग काउंटर, यहाँ पर आपको सारे अट्रैक्शंस की इंडिविजुअल प्राइस मिल जाएगी और कॉम्बो पैक की भी। सही बताऊँ ना तो मैं आपको कॉम्बो पैक ही सजेस्ट करूँगी क्योंकि वो एकदम ही वर्थ इट है, आप सारे अट्रैक्शंस अच्छे से एंजॉय कर सकोगे। यहाँ से एंट्री लेते ही वो आपको हाथ में एक बैंड पहनाएंगे जिसमें आपका पैकेज होगा एंड द फर्स्ट थिंग जो आपके मुँह से निकलेगी वो है वाओ कितना सुंदर है ये साई तीर्थ थीम पार्क। सही बताओ तो मेरे मुंह से भी यही निकला था। आप जैसे ही आगे देखोगे वीडियो में आपको समझेगा कितना क्लीन, कितना ब्यूटीफुल, कितना स्पेशियस है ये। एंड वैसे ही इनका स्टाफ भी है काफ़ी फ्रेंडली एंड काफ़ी हेल्पफुल। बाहर से इतना खूबसूरत है तो इनके अट्रैक्शंस कितने सुंदर होंगे। चलिए अट्रैक्शंस के बारे में बताती हूँ। ये है तीर्थ यात्रा। इस जॉय राइड में आपको इंडिया के 10 तीर्थ स्थलों के दर्शन हो जाते हैं। हर तीर्थ स्थान को उसी तरह से प्रेजेंट किया है जैसे वो इन रियल लाइफ दिखते हैं। इस शो में भी आपको भक्ति और टेक्नोलॉजी का एक परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिलेगा। चाहे वो मंदिर हो ईस्ट का, वेस्ट का, नॉर्थ या साउथ का, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने मिलेगी एंड देखते ही बहुत प्रसन्न सी वाइब आएगी। हर एक मंदिर या हर एक भगवान के सामने इनकी ये जॉय राइड जो ट्रेन है वो अराउंड 20-30 सेकेंड्स रुकती है, सो आप दर्शन बहुत आराम से और अच्छे से ले पाओ। साई तीर्थ थीम पार्क शिरडी के मंदिर से हार्डली 5 मिनट के डिस्टेंस पर है, या मैं कहूँ तो सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इन माय ओपिनियन शिरडी के साई बाबा मंदिर का दर्शन होने के बाद आपको सेकंड थिंग जो शिरडी में कवर करनी चाहिए वो है साई तीर्थ थीम पार्क। यहाँ पे आप बाबा के और भी करीब जा सकते हो, मूर्ति को देख सकते हो, फ़ोटो ले सकते हो। मैं लास्ट टाइम जब भी यहाँ पे आई थी तो मैंने ये फ़ोटो लिया था जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एंड वो फ़ोटो इतना अच्छा लगा सभी लोगों को, मुझे खुद को इतना अच्छा लगा। आप भी यहाँ पर आके आपके ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ ले सकते हो। साई तीर्थ थीम पार्क का नाम गूगल और ट्रिपएडवाइजर पे शिरडी के टॉप रेटेड प्लेसेस में आता है। अगर मैं इस प्लेस को एंटायरली कवर करने की बात करूँ तो आपको हार्डली लगेंगे 2.5 से 3 घंटे। सो जब भी आप यहाँ पे ट्रिप प्लान कर रहे हो आपका डे अकॉर्डिंगली प्लान करना। अगेन लुक एट द ब्यूटिफुल प्लेस दैट इट इज।
So I have Anamika with me and I asked her if she would like to share her experience related to the theme park and she happily agreed. So let's see what Anamika has to say about the theme park. I think it's such a great idea in terms of giving a variety of shows and for a different range of people, from young people to like older people. So it's an amazing experience where you can really feel how it, you know, used to be at the, you know, back then. For instance, Dwarka Mai, seeing the original architecture and the story behind, you know, Saburi and Shraddha, that was lovely. It's really been great. Okay, so I think you're done with Dwarka Mai. And yes. What other show are you currently looking forward to? Temple of India. I've seen snippets of it on YouTube. Mm-hmm. So just the different temples of India and how, you know, India integrates, you know, every religion and culture. I think that's a lovely part of India. Yes. You're going to see like different temples from different states of India, like from north, south, east and west. You're going to see everything. They also have shown like two temples from Maharashtra itself, which is the Siddhivinayak in Mumbai, and then also the Pandharpur's famous Vitthal's temple. I hope you're gonna love it. Also, have you seen the giant screen, the movie related to Sai Baba? That one we're gonna see next. So yes, I'm looking forward to see that one. Yeah. Okay, wonderful, Anamika. It was great talking to you, and I hope that you liked the experience and you're gonna love the two shows that are remaining. Yes. No, thank you. And I would recommend, you know, for anyone, any age group to come and see you. Absolutely. Yeah. Thank you so much. Thank you, Anamika. Thank you for that. इस शो में साक्षात साई बाबा हमारे सामने आकर हमसे बात करते हैं. द्वारका माई ये एक 10 मिनट्स का यूनिक सा रोबोटिक शो है. हमें ऐसा लगता है कि साई बाबा हमसे कुछ बात कर रहे हैं और उनके बहुत करीब होने का एहसास होता है. बचपन से ही मैंने हनुमान जी की शक्ति और बुद्धि के बारे में बहुत कहानियाँ सुनी हैं, पर लंका दहन शो में उसे एक्सपीरियंस भी करने का मौका मिला. ये शो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी एंजॉय कर सकते हैं. इसमें आपको एडेड एलिमेंट्स लाइक एयर, वाटर, मोशन, साउंड एंड टच भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगा. पार्क में एक रेस्टोरेंट और फूड जोन भी है. मैं अभी आई हूँ फूड जोन में और मैंने ली है पाव भाजी, एंड जो कि अभी दोपहर का समय है, मैंने थोड़ा सा छाछ भी ऑर्डर किया है. हाँ, सो रिफ्रेशिंग. मेरे साथ है अभी शिखर जी और शैलेश जी, और ये हमें बताने वाले हैं कि इनको साई तीर्थ के बारे में क्या लगता है. ये यहाँ के लोकल्स ही हैं. पहले तो सभी को ओम साई राम. जैसे भी भारतवर्ष में पहला डिवोशन मतलब भगवान के लिए कोई अगर थीम पार्क बना है तो शिरडी साई बाबा का बना है. मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी से विनती करता हूँ, एक बार लाइफ में एक बार तो विजिट करिए साई पार्क थीम पार्क को. जो आपको 5D पिक्चर्स और जो तीर्थ यात्रा बोलते हैं कि एक छोटी सी तीर्थ यात्रा है जिसमें हम महाराष्ट्र और ऑल ओवर भारत के जो मंदिर है बड़े बड़े उनके दर्शन कराए गए. उसके बाद आपको मिलेगा द्वारका माई. द्वारका माई का जो ये है अपने पास, क्या बोलते हैं उसकी,
महत्व जो है द्वारका माई का, वो द्वारका माई में एक बताया जाएगा आपको। उसके बाद आता है आपको एक मूवी बताई जाती है जो तकरीबन एक घंटा चलती है। एक घंटा मूवी चलने के बाद सबसे बढ़िया अगर होगा तो 5D का एक शो चलेगा जो 20 या 25 मिनट से ज़्यादा नहीं चलता है, लेकिन वो शो लंका दहन प्रभु श्री राम पे जो बना है, हनुमान जी का रोल कैरेक्टर है उसमें बहुत ज़बरदस्त 5D में बना है। एक बार तो आइए, विजिट करिए और सभी को ओम साई राम। बहुत बढ़िया लगा मुझे, और जो साई बाबा का पास्ट है उसके हिसाब से बहुत बढ़िया है। सबने यहाँ पे आके एक बार विजिट देना, जो अपनी संस्कृति वो मर्यादित है, इसमें सब चीज़ें है। इतना ही बोल के मैं ख़त्म। थैंक यू सो मच, आप दोनों को भी थैंक यू। और सच बताओ तो लंका दहन जो शो है, 5D शो है, वो मेरा भी फेवरेट है। मैंने पहले भी जब भी मैं आई थी तो मैंने स्टोरी डाली थी, और लंका दहन मैं सबको रेकमेंड करती हूँ कि आपने एक बार तो एटलीस्ट लंका दहन एक्सपीरियंस करना चाहिए, वो भी शिरडी में। सो इट्स रियली कमेंडेबल। थैंक यू। मालिक एक, ये एक घंटे की मूवी है बेस्ड ऑन साई बाबाज लाइफ। बचपन के साई से लेकर शिरडी के साई बाबा तक की जर्नी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। जरूर देखना। मुझे मिला है एक फ़न ग्रुप, और उनसे ही जानते हैं वो एग्जैक्टली है कहाँ से और उनका एक्सपीरियंस यहाँ का कैसा रहा। कुठून आला आहे तुम्ही? नागपूरवर आलो आहे, आमचा मैत्रिणींचा ग्रुप आहे आणि सगळे आम्ही 50 वर आहोत। पण वाटतो का आम्ही? अजिबात नाही, बिलकुल नाही लग रहे की 50+ है। बट आपका एक्सपीरियंस कैसा था? थीम पार्क कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, ऐसा लगता है की साई के दर्शन हो गए। बहुत अच्छा था, लिटरली बहुत ही स्पिरिचुअल है ये, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ओके, आप घर जाने के बाद या नागपुर जाने के बाद किसी को रेकमेंड करना चाहोगे यहाँ पे आना? बिल्कुल बिल्कुल पक्का। क्या आप आपके फैमिली को यहाँ पर लेके आना चाहते हैं? लेके आएंगे, हम लोग आते हैं पर यहाँ पे लेके आएंगे, ये फर्स्ट टाइम हमने देखा। अब जब आएंगे तो हम पक्का यहाँ पे आएंगे और सबको दिखाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम जब ये आएंगे ना, पूरी फैमिली को साथ में लेकर आएंगे। बिल्कुल। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत पॉजिटिव सा फील हुआ। एंड अंदर जाने के बाद जब आप बाहर आते हो ना, तो वैसा ही फील होता है, सबसे बात करने का मन करता है, हम भी सबसे इंटरेक्ट करें। आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। साई बाबा की जय। साई तीर्थ एक परफेक्ट प्लेस है आपके फैमिली को लेके आने के लिए। बच्चे जो है वो स्पिरिचुअल वैल्यू सीख सकते हैं, हमारे एल्डर्स जो है वो इस स्पिरिचुअल वाइब को एक्सपीरियंस कर सकते हैं एंड इस ब्यूटीफुल से प्लेस का मज़ा उठा सकते हैं। मुझे कमेंट करके जल्दी से बता देना कि आप यहाँ पे ट्रिप कभी प्लान करें। क्या थिंग्स टू डू इन शिरडी में आपने ये प्लेस अभी तक ऐड की है? लाइक कर देना इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो। सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आप शिरडी आओ तो साई तीर्थ थीम पार्क आपके टू डू लिस्ट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बने।